लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की है। राहुल ने इसे ब्लैक बॉक्स बताया है और कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। राहुल से पहले दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक होने का खतरा भला छोटा लगे, लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। राहुल गांधी ने अपने ताजा एक्स पोस्ट के बहाने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग को भी शेयर किया। उसमें लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 48 वोटों से मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट जीतने वाले शिवसेना सिंधे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के फोन में ईवीएम मशीन खोलने की ट्रिक है। उनके रिश्तेदार मंगेश पांडलिकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट कर ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की थी। वनराय पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।